I knew him extremely well as a director, and you know, as a person who supported Wright. You know, he was a person jo, you know, jab meri shaadi ho rahi thi, so I remember my parents were, they were very against it and all. So, you know, he was a voice of reason for me, you know, baith ke mere sath baatein karte the, and he used to ask me, ki, you know, is this really something you want to do, or, you know, uske pros and cons, and, you know, so there was that figure of Shahzad Khalil for me, you know. The friend side of it was, because I was in awe of this man, you know, mere liye to he was like, you know, he was maybe a little beyond a father figure. Because it was all very new for me, the whole process of this television world, and you know, and he was the voice of reason. नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. जो एजुकेशन बैकग्राउंड जो शहजाद साहब का था, सटलिटी उनमें जो थी, देयर वाज अ सॉफ्टनेस टू दैट मैन. मीनिंग अगर आप उनके रोमांटिक सीन्स देखें और आप बाकी उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वुमेन बट लेट्स से द गाइस, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन माय ओपिनियन ऑफ हाउ द रोमांटिक सीन्स वर अप्रोच्ड. एंड व्हाई आई एम सेइंग रोमांटिक सीन्स, बिकॉज आई थिंक दोज आर द मोर इन माय ओपिनियन वेरी वेरी डिफिकल्ट सीन्स, और स्पेशली उन दिनों में जब आपका ये था सारा सेंसर था, और यू नो ऑल ऑफ दैट. But Joe, I think Joe, he was just, I don't know, I can't put my finger to it, but he was just there all the time, detailed. Har cheez mein, he used to go into the detail of, ek to script, yaad kiye bagair hum log set pe nahi aa sakte the. That I can remember, I can't remember that with the other directors. You had to know your script and you had to know it really well. एक उनका मैं आपको वो वाक्य दिखा सुना सकती हूँ, विच इज़ समथिंग दैट हैज स्टेड विथ मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जब हम लोग शनाज और मेरा एक सीन था जिसमें हम दोनों को रोना था, जिसमें वो बर्थडे पे लेट आती है. अब मैंने कहा शनाज साहब, मैं तो यू नो मैं कैसे रोंगी. वो शनाज कह रही तुम नहीं रोगी, तो मैंने कहा शनाज यू आर द मोस्ट सीनियर पर्सन, यू नो आई डोंट नो, एंड ही डिडंट वांट अस टू यूज़ ग्लिसरीन. ही सेज़ आई डोंट वांट यू टू यूज़ ग्लिसरीन. I said, how am I going to do this? तो उन्होंने कहा कि okay, तो स्टूडियो empty करवाया, बिल्कुल खाली करवाया, just him, फैसल नदीम हमारे जो कैमरामैन थे, सारी लाइटें बंद करवा दी, एक not even the studio lights, but he had one of the क्या कहते हैं ये जो वाली जो professional lights है वो ऑन रखी. उस सेट पे ज़रा सी लो लाइट थी, और शनाज भी आई हुई, और देर वॉज जस्ट शनाज माई सेल्फ शहजाद साहब एंड ही केम डाउन एंड ही सेड के ही स्टार्टेड टेलिंग मी स्टोरीज अबाउट हाउ डिफरेंट पीपल ने क्राइंग सीन उनके साथ कैसे किसी ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारे, किसी ने कुछ कहा. तो यू नो एंड अगेन लाइक आई सेड, इफ यू हैड मेट हिम, उनका एक ही हैड अ वेरी सॉफ्ट वे ऑफ स्पीकिंग, यू नो ही हैड अ वेरी जेंटल वे ऑफ स्पीकिंग. तो ऑलरेडी एक एटमोसफियर ऐसा क्रिएट हो गया था, और यू नो देयर वाज अ साइलेंस इन द स्टूडियो, एंड और उन्होंने ये आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए हम लोगों ने सिर्फ बातें की, एंड ही सेड ओके अब मैं ऊपर जाऊंगा और कैमरा में रोल कर लूँगा, ठीक है, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ द सैडेस्ट थिंग दैट इज़ एवर हैपेंड टू यू, एंड यू थिंक अबाउट, और जब तुमको हल्की सी एक फीलिंग आ रही हो मुझे बस कह दो, अपना हाथ ऊपर कर, यू डोंट इवन हैव टू स्पीक, जस्ट पुट योर हैंड अप एंड यू नो एंड स्टार्ट योर लाइंस, और शनाज विल एंटर एंड ऑल दैट, एंड वी डिड इट इन वन टेक. वो ऐसा आया, मीनिंग वो जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया ना उस, अब अगर हम मैं किसी को ये बताती हूँ, कहते हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है, हमको तो 15 सीन करने एक दिन में, 15 सीन करने से आपका ड्रामा हिट नहीं होगा, नहीं होता. यू नो यू आर्ट एक ऐसी चीज है जो यू, मैं नहीं कहती कि गो आउट ऑफ बजट और इतने दिन, आई मीन वी वर दे वर वर्किंग इन अ बजट आल्सो, उनका बजट शायद जरा सा मोर फ्लेक्सिबल था, बट यू नो दैट इज हाउ वी वर्क्ड विद पीपल लाइक हिम, कि
कोई चीज नहीं आ रही है, नहीं कि बस ग्लिसरीन में, ही फेल्ट कि नहीं आई वॉन्ट टू हैव द यू नो, सो दैट वॉज द डिटेल. एक सीन था जिसमें मुझे हमको पता चलता है कि शनाज के साथ कुछ हो गया है, एंड ऑटोमेटिकली आई थिंक वी वुड ऑल जस्ट बिकम सो क्लोज, मुझे रोना आया. ही केम डाउन से सॉरी मीना, आई डोंट वॉन्ट यू टू क्राई ऑन दिस सीन, एंड यू नो अदरवाइज यहाँ तो हम रोते हैं, यू नो वाह 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 बड़ा आपने किया. ही सेड नहीं मीना, आई डोंट वॉन्ट यू टू क्राई ऑन दिस. आई सेड ओके फाइन वी विल डू इट अगेन. And I didn't need, I didn't want to, it just came out. It was just a very emotional time or whatever it was. He says, no, I don't want you to cry in this scene. Then, I remember, jo pehli dant mujhe unse jo mili thi, I used to work somewhere or koi problem ho gaya tha, and he said, no, you will be here at this time. To mujhe to jhatka laga, maine kaha, this man who never raises his voice, you know. तो वो सीन भी ज़रा सा बद्दो के साथ था, वो नीचे आके मैं कहानी सुनाती हैं, यू नो वेर वेरी अपसेट एंड ऑल दैट. अब बिकॉज वो ऑलरेडी मुझे डांट चुके थे कि मैं सीढ़ियों के नीचे खड़ी हुई हूँ, मैं बद्दो को देखी हूँ, एंड आई वाज लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक दिस बिकॉज मेरे होंठ जो है ना उस वक्त क्विवर कर रहे थे, बिकॉज आई वाज सो अपसेट एंड ही यू नो ही स्कोल्डेड मी. और बद्दो वो सुना रही है और टप 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 मेरे आंसू, एंड देन व्हेन आई सॉ द सीन आई सॉ दैट ही टोटली कैपिटलाइज्ड ऑन इट, यू नो. सो देयर वर दीस यू नो सटल थिंग्स दैट ही डिड, एंड ही वाज सो श्योर, उनको एग्जैक्टली पता था कि उनको इस सीन से क्या चाहिए, ज्यादा ना कम, यस, एंड देन स्विचिंग. आई मीन आई अडोर सायरा काज़मी एंड आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट डायरेक्टर, बट सायरा का स्टाइल डिफरेंट था. सायरा वॉज ऑलवेज मोर ऑन सिंगल कैमरा के, यू नो शहजाद साहब अपनी स्विचिंग में ही वन टेक या टू टेक से, अगर हम चार टेक्स भी करते थे, वो स्विचिंग में ही पूरा अपना, ही न्यू दैट हमारी कैमरा रिहर्सल सॉलिड होती थी, हमारी ड्राई रिहर्सल सॉलिड होती थी. दोज आर द थिंग्स दैट आई डिड नॉट फाइंड इन फ्रॉम दैट साइड ऑफ इट. द प्रिपरेशन जिस तैयारी से वो आते थे अपने सेट पे, वो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं. वाओ वाओ आए शेर बबर शेर. वाओ दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट. वेल आई थिंक द वन थिंग दैट I would love to tell him is that he inspired me to be a director, and jo my first play that I ever directed, main ek jagah itni phans gayi thi ki mujhe samajh nahi aa raha tha ki ye main kya karun, and I just looked up and I said, what would you do in a situation like this? And you know, it's like koi answer to aana nahi hai, but I was so desperate. And till today, whenever I'm directing, I feel that I have a hand on my shoulder. I just feel that. I feel that I'm very inspired by him. I'm very inspired by him. What would I tell him? I would tell him is that I wish he had stayed on longer. I wish he had listened to the doctors. I wish he was alive now to see me where I am in my career. नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. There were so many things because I think for me, us time pe I was growing up as a person, as an individual, and I would love to sit with him now in a social level at who I am right now and have a chat with him and you know and talk to him. You know, this is the time where I feel that I miss him the maximum. I'm of course, you know, you miss him. I do miss him a lot. I, you know, I feel that he's one person
who should have stayed on. He was too, and in one way he was too good for this world also, you know. आपने उसका गाना सुना है McLean, what's his name, Steve McLean, or the guy who sang American Pie? नहीं, उसने एक गाना गाया dedicated to Vincent Van Gogh, और उसके जो words हैं ना, I feel that they just fit Shahzad Saab's life, because we didn't appreciate him enough when he was alive. I think people like him, उनसे आप सीख सकते हैं बहुत कुछ, और वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपको, he will never shy away from teaching you. जितनी भी उनकी अंदर की knowledge है, वो आपको you know इस टेबल पे बिछा देंगे. he's not जो मैं कहती हूँ, जो हमारे मुल्क के दर्जी है ना, कि जी अपना हुनर रखना है साथ, you know उसको छोटे को सिखाना नहीं है ना. he wasn't a दर्जी at all. he was such a giver. he was such a you know he would share. अच्छा, और कभी बैकबाइटिंग नहीं करनी किसी की, कभी बुराई उनके मुंह से मैंने यू नो मैंने नहीं सुनी. यू नो दैट आई कैन विच मेंट दैट ही बिलीव्ड इन एवरीवन. ही बिलीव्ड के अगर वो शायद बुरा भी काम कर रहा है, लेकिन वो अपने अपने इंटेलिजेंट लेवल और अपने एबिलिटी के मुताबिक काम कर रहा है, और उसमें वो बेस्ट कर रहा है. You know, he was never to say, oh, that was horrible, or ye maine dekha, aur wo criticism bhi wo itni khoobsurti se dete the ki wo bura nahi lagta tha. You know, he was just such a thorough gentleman, such a, aur bas yahi main unse kahungi ki ye gussa hamesha naraaz hu ki bahut jaldi chale gaye aur abhi kyun nahi hai.